A very good morning to all my dear students. Myself Pradeep Kumar Verma, PGT Commerce from Kendra Vidyalaya Kumu, Ranchi region, Jharkhand. So, as you can see, today we are going to start a very important and a vast topic from the first chapter of partnership, that is fundamental of partnership firm, and it is past adjustment. And oftenly, I personally observe that the students suffers a lot in this topic. They found it most difficult part. So let's try to understand the topic deeply. Okay. So first of all, we will start with the meaning of past adjustment. So here it is. Sometimes after preparing the final account of partnership firm, some errors or omissions are located. For example, interest on capital or drawing is omitted. तो जैसा लिखा हुआ है कि final account partnership firm का बना लेने के बाद कुछ errors या कुछ omissions हमें देखने को मिलते हैं कभी कभार, जैसे कि interest on capital या interest on drawings को भूल गए. The same are allowed or charged at higher or lower rate. मतलब इन्हीं interest को, यानी interest on capital या interest on drawings को या तो agreed rate of interest से ज़्यादा या फिर कम rate से charge कर लिया या फिर allow कर दिया. ठीक है, ये हो गया mistake. Then distribution of profit or losses in a wrong ratio. तो जो profit या loss होता है उसको गलत किसी ratio में बांट लेना, and so on. So all these जो मैंने यहाँ पे अभी भी highlight किए बातों को पढ़ा है, all these are the errors. Like जैसे ये रहा, interest on capital, interest on drawing को भूल गए, omit हो गए. The same are allowed or charged. Allowed इसलिए क्योंकि interest on capital allowed होता है, और charge इसलिए क्योंकि interest on drawing charge होता है. At higher or lower rate, है ना, ज़्यादा या कम भी हो सकता है. And then distribution of profit or losses in wrong ratio. ठीक है, all these are the errors. In other words, past adjustment is an adjustment for incorrect apportionment of profit. ये वर्ड आया है apportionment, है ना. तो apportionment का मतलब ही होता है distribution. तो कह रहे हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट का अदर सेंस में मतलब ये है कि गलत तरीके से प्रॉफिट्स का अगर बंटवारा हुआ तो हम उसे करेक्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की मदद से. एंड दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड और एडजस्टेड थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर्स बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री. तो एडजस्टमेंट एंट्री को नॉर्मल जर्नल की तरह हम नहीं करते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट दैट इज मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द गिवन केस. एंड उसी को हम रूल्स में अप्लाई करेंगे आज के इस लेक्चर में. ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं और क्या है आज के इस लेक्चर में. तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूल्स जो कि अप्लाई होने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और जो रूल हम अभी सीखने वाले हैं, ये रूल एज इट इज़ फॉलो होगा आने वाले सारे क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए. ठीक है, तो इक्वल तरीके से ही वो अप्लीकेबल होगा. एंड नो डाउट क्वेश्चन में वेरिएशंस तो देखने को मिलेंगे, बट द रूल विल बी सेम. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल. Since all the adjustments are made through capital or current account, so the rule of capital account as per American approach is applied. So मुझे पता है कि आप सभी ने क्लास 11th में अमेरिकन अप्रोच पढ़ा हुआ है, और अमेरिकन अप्रोच का जो रूल है हमारा किसका, कैपिटल का. हमने अमेरिकन अप्रोच में कैपिटल पढ़ा था, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, इन पांचों का एक रूल था अमेरिकन अप्रोच, जिसमें से कैपिटल था. तो इसके रूल थे ना कि अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो उसके करते हैं क्रेडिट, और अगर कैपिटल घट रहा है तो उसको करते हैं डेबिट. हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, तो इसी रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं इस टॉपिक में. और ये रहा समराइज्ड में, मैंने लिख दिया है, ध्यान से फोकस करें. अमेरिकन अप्रोच में से सिर्फ कैपिटल अकाउंट के रूल को मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज यही हमें अप्लाई करना है. सो आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट किसका, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का. अब देखो सीधी सी बात है, एरर तो हो गया, करेक्शन करने जाएंगे तो या तो बढ़ाना पड़ेगा उनके कैपिटल्स को या तो घटाना पड़ेगा, दो में से एक ही चीज़ तो करोगे आप. तो कैपिटल हो या करंट अकाउंट, सेम रूल अप्लाई होगा. तो अगर कैपिटल को हम बढ़ाना चाहते हैं, मिस्टेक को सही करने के लिए कैपिटल को इंक्रीज अगर करना है, तो उसका रूल वही देखो ध्यान से आप, 11th का ही रूल है अमेरिकन अप्रोच, क्रेडिट करना पड़ेगा. और अगर कैपिटल को डिक्रीज करना है, घटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. सो यू नो दिस रूल वेल, एंड यही रूल है जिसको अप्लाई करने वाले हैं हम अपने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में.
तो आप देख सकते हो कि रूल तो बहुत सिंपल सा है, यही रूल बार बार फॉलो होगा, ऑब्जर्व होगा एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज. ठीक है, सो अब बस बात ये आती है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो देन अब आता है रूल्स अप्लाई कैसे होता है क्वेश्चंस में. अभी मैं आप सबके सामने कुछ केसेस के साथ इन रूल को अप्लाई करके दिखाऊंगा. ठीक है, ध्यान सुनना केस. देखो ग्रीन कलर से जैसा आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है कुछ कि इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स, अभी आपको एक लिस्ट मिलेगा, इन सभी एरर्स में द कैपिटल विल इंक्रीजेज एंड एज पर द रूल इट विल बी क्रिएटेड. भाई रूल कहता ही है कि कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्रेडिट होगा. ये तो रूल हो गया, बट किस टाइप के एरर्स में ऐसा होगा कि कैपिटल को हमें इंक्रीज करना है, आओ वो लिस्ट देखते हैं हम लोग. तो देखो पहला क्या है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन और रेमुनरेशन. सैलरी और रेमुनरेशन, कमीशन रेमुनरेशन, ये सब एक ही में कंसिडर जनरली कर लिया जाता है. तो अगर पार्टनर्स को दिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उनको देने वाला सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन, वॉट एवर इट इज़, तो ये जो चीज़ अगर एग्री था टर्म में और हम इनको देना भूल गए, ओमिटेड था, तो ऐसे केस में एरर को रेक्टिफाई कैसे करोगे आप? अब प्रैक्टिकली सोच लो, जैसे आप किसी को सैलरी देंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है, और आप देना भूल गए, तो अब आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? सिंपली उसका सैलरी दे दोगे उसको. तो भाई जब किसी को हम सैलरी देंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या कमीशन देंगे या रेमुनरेशन जो भी आप कहते हो उसको, तो वो जैसे ही आप उसको दोगे तो एज अ रिजल्ट उनके कैपिटल में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो डेफिनेटली बढ़ेगा. और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्या रूल हम फॉलो करते हैं, वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि रूल इट विल बी एप्लीकेबल दैट कि इंक्रीज होगा कैपिटल में तो क्रेडिट हो जाएगा. तो इसलिए ये एक एप्लीकेशन ऑफ रूल है कि इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. अब आप चाहो तो याद भी कर सकते हो इसको, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल के साथ साथ समझने की पूरी कोशिश भी करेंगे. सेकेंड है एक्सेस चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो वैसे पार्टनर से चार्ज किया जाता है यानी वसूल किया जाता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज़्यादा चार्ज कर लिया था एग्रीड टर्म से, लाइक पार्टनरशिप में तय था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है 10%, और अगर हमने उनसे 15% चार्ज कर लिया बाई मिस्टेक, तो वो 5% जो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया वो रिटर्न करना पड़ेगा एंड अगेन एज अ रिजल्ट हमें कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा. तो दैट्स वाई ये भी क्या है, क्रेडिट का टर्म. नेक्स्ट वन इज लोअर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कभी कभार मिस्टेक ऐसी भी होती है कि इंटरेस्ट तो दिया बट जितना एग्रीड था उससे कम दिया, ठीक है, दैट इज लोअर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू देम. लाइक 10% इंटरेस्ट फिक्स हुआ पार्टनरशिप में और उन्होंने बाय मिस्टेक 6% का इंटरेस्ट दे दिया, तो 4% का डेफिशिएंसी हो गया ना, शॉर्टेज हो गया, तो उस 4% के इंटरेस्ट को अब उनको हम दे देंगे वापस, क्योंकि मिस्टेक तो यही है ना कि 4% कम दिया, तो अब दे देंगे 4%. यानी इन तीनों केसेस को आप अगर ध्यान से सोचो तो जब भी पार्टनर्स को हम कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं, दे रहे हैं एज अ करेक्शन, तो उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, कैपिटल विल इंक्रीज एंड दैट्स वाई इट विल बी क्रेडिटेड. अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसी तरह एग्जैक्टली हम सारे क्वेश्चन में रूल्स को अप्लाई करेंगे, आप देख लेना. ठीक है, तो आप खुद ही कहोगे कि सर तो बहुत इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, है ना. सो चलो देखते हैं दूसरा पार्ट इस रूल का. इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स द कैपिटल विल बी डिक्रीज्ड एंड एज पर द रूल इट विल बी डेबिट. तो जैसा हम रूल जानते हैं कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो क्या करते हैं, डेबिट. नाउ अभी आपके सामने एक लिस्ट आने वाला है जिसमें कि एरर ऐसे होंगे जिससे कि जिसके इफेक्ट से कैपिटल क्या होंगे, डिक्रीज. नाउ जो अभी हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल्स देखे उसी को का उल्टा आप सोच सकते हो, वही है. तो लेट्स हैव दैट एग्जाम्पल, दैट केसेस और टाइप्स ऑफ एरर्स. पहला आता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. लाइक पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था ऑन देयर ड्राइंग, दैट वाज डिसाइडेड इन द टर्म्स ऑफ डील, बट बाय मिस्टेक उसको चार्ज करना वो भूल गए. तो अब उसका करेक्शन कैसे करोगे आप, इंटरेस्ट अगर भूल गए चार्ज करना तो इंटरेस्ट उनको उनसे अब ले लिया जाएगा, है ना. तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, उनसे चार्ज करने की वजह से डेबिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल डिक्रीज होगा. द नेक्स्ट टाइप है लोअर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एग्रीड था पार्टनरशिप में 10%, अब मान लो पार्टनर्स ने गलत बाय मिस्टेक 5% ही इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी चार्ज तो किया बट जितना था उससे कम चार्ज किया. तो अब आप करेक्शन कैसे करोगे, जो 5% कम चार्ज किया था वो दोबारा चार्ज कर लोगे आप. एंड मैंने पहले भी कहा था जब भी पार्टनर को कुछ देंगे तो क्रेडिट होगा कैपिटल, बिकॉज इट विल इंक्रीज द कैपिटल. एंड वेन एवर वी टेक समथिंग, जब भी हम किसी पार्टनर से कुछ चार्ज करेंगे लेंगे, तो दैट विल डिक्रीज द कैपिटल. दैट्स वाई कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. एंड द थर्ड केस इज एक्सेस अलाउंसेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लाइक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड था 10%, बाई मिस्टेक पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो आप करेक्शन कैसे करोगे,
2% वापस उनसे ले लेंगे, है ना। तो जब कोई भी चीज़ पार्टनर से वापस लोगे, एनीथिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर पार्टनर से लेंगे तो वो होगा हमेशा डेबिट, बिकॉज इट विल डिक्रीज द कैपिटल। और कोई भी चीज़ पार्टनर्स को देंगे वाइल मेकिंग द करेक्शन, तो उसके वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा एंड दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आप में से कई लोग मालूम है क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे आपको देखने को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बच्चे रट लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आएगा तो क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ऐसे बच्चे बाय मिस्टेक रट लेते हैं। ठीक है, सैलरी मिला तो क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, तो ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे, हम सीखेंगे आज के अपने इस पूरे टॉपिक्स में, इस पूरे टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे वेरियस क्वेश्चंस के साथ कि ऐसा नहीं है, कभी कभार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट भी देखने को मिलेगा तो कभी डेबिट भी देखने को मिलेगा, एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वे ऑफ करेक्टिंग इट। जब मिस्टेक को आप करेक्ट करते हो तो दो ही तरीके हैं, या तो वो देकर मिस्टेक को करेक्ट करना है या लेकर करना है करेक्शन, है ना, तो अकॉर्डिंगली उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सो दिस इज द रूल जिसको मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू कैटेगराइज द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर, जिसको अभी हमने रूल्स में देखा समझा है उसी को अब हम एक तरह से कैटेगराइज करते हैं। देखो आपको समझने में शायद आसानी हो जाए इससे और भी। सो देखो ये है कुछ एरर्स, यानी ये वो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, 6 कैटेगरीज मैंने बनाई हुई हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आए हैं इन्हीं टॉपिक में, कभी किसी केस 1 से आ गया, किसी में केस 5 आ गया, किसी में केस 3 आ गया, है ना, तो कोई भी केस इसमें से इन्वॉल्व रहता ही है। तो आप इसी केस को समझेंगे इस टॉपिक के अंदर में, और इन्हीं के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सीखने वाले हैं। देखो पहला टाइप्स क्या है एरर का, ये है पहला टाइप हमारा, ओमिशन ऑफ सिंगल आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एट्सेट्रा। जैसा आप देख रहे हो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या कमीशन है, एनीथिंग, कुछ भी अगर पार्टनर्स भूल जाते हैं सिंगल, लेकिन सिंगल यानी क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी, या सिर्फ कमीशन की, या फिर सिर्फ सैलरी की, ऐसा कोई केस। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड टाइप्स ऑफ एरर में क्या है, ओमिशन ऑफ मल्टीपल आइटम्स, यानी जो नाम आप अब देख रहे थे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैक्सिमम चीज़ें या एक से ज़्यादा चीज़ों को पार्टनर्स भूल गए, तो ये हो गया ओमिशन ऑफ मल्टीपल आइटम्स। देन द थर्ड वन, आइटम्स अलाउड और चार्ज बट नॉट एग्रीड इन द डीड, कोई ऐसी चीज़ जो पार्टनर्स को दे दी गई या उनसे ले ली गई। ठीक है, यानी अलाउड मतलब दे दिया और चार्ज मतलब ले लिया, बट डीड में ऐसा कुछ भी डिसाइडेड ही नहीं था, तो दैट इज़ अगेन एन एरर, तो इस तरह के भी एरर देखने को मिलेंगे। देन फोर्थ पॉइंट, एक्सेस और लोअर इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड, भाई इंटरेस्ट चार्ज भी होता है अलाउड भी होता है, इंटरेस्ट चार्ज किस पे होता है ड्राइंग्स पर, और अलाउड किस पे होता है कैपिटल पर, तो ये एक्सेस ज़्यादा दे दिया या चार्ज कर लिया या फिर कम कर लिया, ओके, एक्सेस और लोअर का केस, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। देन नेक्स्ट वन इज ओमिशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, तो ओमिशन भी हुआ क्वेश्चन में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जो कुछ भी एग्रीड था वो भी भूल गए, एज वेल एज प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इफेक्ट में आया, ऐसा केस। एंड द लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को मैं अगर अभी समझाना शुरू कर दूंगा तो दैट विल कहीं ना कहीं टॉपिक से तुम लोगों को डाइवर्ट कर देगा, तो इसीलिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की मीनिंग को हम लेटर ऑन क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, तो लीव दैट फॉर लेटर पार्ट। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से एरर कितने टाइप के हो गए, टोटल 6 टाइप्स के। रटना नहीं है इन एरर को, बस समझने के लिए है कि इस तरह के एरर्स हो सकते हैं, और इन सभी में हम रूल वही फॉलो करेंगे जो कुछ देर पहले हमने रूल्स को देखे थे। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू हैव द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो लेट्स हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या, ध्यान से समझना, आप अगर मिस्टेक को यानी एरर को रिकॉग्नाइज सही तरीके से कर गए तो डेफिनेटली आप सही सॉल्यूशन कर ही जाओगे, क्योंकि रूल तो वही लगना है बार बार, है ना, बस आपको एरर समझना है क्या हुआ है। तो ध्यान से समझना सुनना कि एरर क्या है। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन March 31st, 2020। After the preparation of final accounts, it was discovered that interest on capital was not provided to them. देखो ये लास्ट लाइन लिखा है मेन चीज कि अकाउंट्स बनाने के बाद डिस्कवर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड,
यानी मिस्टेक क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो नहीं दिए, और कितना रेट से देना था, इट वाज एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ डीड एट 8% पर एनम। तो सिंपल मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो नहीं दिए। तो अब आप करेक्शन कैसे करोगे, थिंक अबाउट कि आप अकाउंटेंट होते, आपको किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट आप भूल गए किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप अपना मिस्टेक का करेक्शन कैसे करोगे। सीधी सी बात है, जो देना भूल गए थे आप दे देंगे उनको। नाउ अब ये सोचो, एज अ रिजल्ट जब हम करेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे, तो एज अ रिजल्ट कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा ना उस पार्टनर का, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, यही रूल मैंने शुरुआत में कहा, यही सारे क्वेश्चन में लगेगा, आप बस देखते जाओ, है ना। तो लेट्स हैव द रिक्वायरमेंट, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। ऑब्वियसली एंट्री तो एंट्री ही होती है, फॉर्मेट जर्नल का ही बनेगा, बट इट इज नॉट द सिंपल जर्नल, इट इज रादर एन एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। अच्छा, आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हो कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है, कि नॉर्मली कैपिटल अकाउंट ही होता है, अदरवाइज जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे तो करंट अकाउंट, सेम रूल विल बी एप्लीकेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट टेबल। हमारे इस पूरे टॉपिक का सबसे जो की पार्ट है वो यही है, एडजस्टमेंट टेबल। ये बन गया तो एंट्री तो बस एक तरह से कह सकते हो आप बाएं हाथ का खेल है ना। सो आओ देखते हैं एडजस्टमेंट टेबल। देखो बना हुआ है पूरा का पूरा टेबल। नाउ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप उसको लिखोगे जिसमें मिस्टेक बताया गया। किसमें मिस्टेक बताया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप देख सकते हो सबसे पहले वही लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट जो दिया गया था 8%। नाउ आप देख सकते हो टेबल के कॉलम में यहाँ ऊपर लिखा है डेबिट और क्रेडिट। पहले तो आप टेबल को देखो, फॉर्मेट को पर्टिकुलर है, डेबिट और क्रेडिट है, देन पार्टनर्स के नाम है और एक टोटल का कॉलम है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जिस चीज़ को हमें करेक्शन में लेकर इन्वॉल्व करना है वो डेबिट होगा कि क्रेडिट। तो आप देख सकते हो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखा है, क्रेडिट। क्रेडिट ही क्यों लिखा, डेबिट क्यों नहीं लिखा, ये रूल मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया और इस क्वेश्चन के शुरू होने से भी पहले बताया कि क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, अब आप देंगे उनको तो एज अ रिजल्ट कैपिटल उनका इंक्रीज कर जाएगा, तो इट विल बी क्रेडिटेड। नाउ 8% रेस्पेक्टिव कैपिटल्स का निकालने पर आएगा 40,000 और 32,000, आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, एंड इट विल बिकम टोटल 72,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शेयर ऑफ लॉस, देखिए मैंने ध्यान से लिखा है, अब ये लॉस कहाँ से आ गया। नाउ ये बताओ ओवरऑल 72,000 फर्म के लिए क्या कहोगे आप, प्रॉफिट कहोगे कि लॉस कहोगे। तो आप फिर थोड़ा सा आँख चाहो तो बंद कर लो और सोच के देख लो, भाई आपने पार्टनर्स को 72,000 का इंटरेस्ट दिया, क्लियर दिया ना इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो फर्म के लिए तो एक तरह से लॉस ही हुआ ना, क्योंकि फर्म का तो रिसोर्स कम हो जाएगा इस वजह से, तो इसीलिए फर्म के लिए लिखा गया है शेयर ऑफ लॉस। वेरी सिंपल वे, इस तरह से आपको पहचानना है कि लॉस है कि प्रॉफिट है, क्लियर। तो लॉस, अब नाउ लॉस को बांटने से कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल घट जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये डेबिट। यानी एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट क्रेडिट हमेशा कैपिटल को बेस रखकर करोगे तो कभी गलत नहीं करोगे आप, क्लियर। नाउ लॉस कितना था, तो डेफिनेटली 72,000 ही दिया तो 72 ही का लॉस होगा ना। अब 72,000 को बांट देंगे इनके एग्रीड रेशियो में जो था 3:2, और जिससे आ रहा है 43,200 28,800। नाउ अब ये नेट इफेक्ट कैसे निकलता है वो ध्यान समझना, क्योंकि यही हमारा आंसर बनाने वाला है एंट्री के लिए, क्लियर। देखो आप जैसे मैथ्स में आपको कोई कहता है +10, फिर एक वैल्यू दी जाती है -8, तो आप आंसर में क्या लिखते हो, तो हम डेफिनेटली उसका आंसर लिखते हैं 2, है ना। और अगर दिया जाए +10 -18, तो आप आंसर में क्या दोगे, तो आप कहोगे कि आपका आंसर आ रहा है -8। एक्चुअली मैथ्स में करते क्या हैं कि जैसे दो डिजिट्स हैं, एक है +10 और एक है -18, इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है, तो बड़ी वैल्यू है 18, और 18 का सिंबल क्या है, तो वो है माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस लग जाता है और डिफरेंस दोनों का कितना हो गया 8, तो वो 8 लिख दिया, है ना। और मैथ्स में आपने ये भी सीखा हुआ है कि अगर -8 और -10 मिलता है तो दोनों जुड़ जाता है और -18 लिखा जाता है। तो विद द सेम एप्लीकेशन अकाउंटेंसी में भी होता है बट क्रेडिट और डेबिट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अब आप अजय की दो वैल्यूज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। देखो एक वैल्यू क्रेडिट है कितने रुपए से, 40,000 से, ठीक है। दूसरी वैल्यू डेबिट है वो कितने से है, 43,200। अब आप ये बताओ कि क्या आप इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ोगे, भाई एक तो क्रेडिट है और एक क्या है, डेबिट है, तो दोनों तो जुड़ नहीं सकता आपस में, क्या होगा, डिफरेंस लिया जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर 43,200 है ये, तो डिफरेंस हो जाएगा 3,200। नाउ बड़ी वैल्यू इन दोनों में से क्या है, तो 43,000
200 यानी डेबिट, इसलिए यहाँ डेबिट लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो आप टेबल में कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाला 3200 और डेबिट लिखा। क्यों लिखा डेबिट? क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या थी? ये वाली। और इसमें क्या सिंबल लगा है? तो डेबिट लगा हुआ है। क्लियर? ऐसे ही विजय में देखो आप, तो एक है 32000, एक है 28800। नाउ दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? क्योंकि एक क्रेडिट है और एक क्या है? डेबिट है। तो डिफरेंस आएगा अगेन 3200। और अब फिर एक बार देखो इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 32000, जिसका मतलब क्या है सिंबल? क्रेडिट का। इसीलिए क्या लिखा हमने? क्रेडिट। क्लियर? इस तरह से डेबिट क्रेडिट तय हो जाता है। अब इसी को हम बार बार अपने अगले न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करेंगे और आप अच्छे से समझ जाओगे डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। सो फाइनली कौन डेबिट हुआ है? तो डेबिट कौन हो रहा है? अजय। और क्रेडिट कौन हो रहा है? विजय। नाउ अकॉर्डिंगली एंट्री बना देंगे हम। देखो ये रहा आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, देख सकते हैं फॉर्मेट बिल्कुल जर्नल का ही है। नाउ डेबिट कौन हुआ था इसमें? अजय। तो इसलिए अजय इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 3200 से, जो यहाँ पे हमने इफेक्ट में लिखा है। और ऐसे ही विजय क्रेडिट था, तो टू विजय इज कैपिटल अकाउंट और वही सेम अमाउंट है और नरेशन लिखते ही हैं एंट्री के साथ। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जिसमें एरर था उसका नाम लिख करके। क्लियर? तो आप देख सकते हो एंट्री में कहीं भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है। नरेशन में तो लिखा ही जाएगा बट एंट्री में नहीं होगा। सो जितने भी एरर्स होंगे एंट्री सिर्फ एक बनेगी, आइदर बाय यूजिंग कैपिटल अकाउंट और बाय यूजिंग करंट अकाउंट। सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्मा विष्णु एंड महेश आर पार्टनर्स इन 2:2:1। देयर कैपिटल बैलेंसेज आर फिक्स्ड एट रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। अब जानते हो कैपिटल फिक्स का मतलब क्या है? करंट अकाउंट का यूज। ऑन 31 मार्च 2020 After the close of account, it was found that interest on drawings was not charged at the rate 12% per annum on their drawings. आप देख सकते हो यहाँ मिस्टेक क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज हुआ। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया। तो क्या करेंगे, मिस्टेक को सही कैसे करोगे आप? तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं किया अब वो चार्ज कर लेंगे। देन ब्रह्मा का विड्रॉ कैसे था वो लिखा है, कितना है ध्यान से देख लो आप, 60,000 का विड्रॉल है और एक डेट है 1 नवंबर 2019। आप सभी ने ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, उनमें से एक पैटर्न है। नेक्स्ट इज विष्णु ने विड्रॉ किया 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आप जानते हो ये एक पैटर्न का ड्राइंग होता है, पैटर्न में किया हुआ ड्राइंग। एंड ऐसे ही महेश ने विड्रॉ किया है 20,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक डेट का ड्राइंग है, एक मंथ वाइज ड्राइंग है और एक क्वार्टरली ड्राइंग है। And requirement as always, you need to pass rectify entry for the above error. Clear? So now let's have the solution part. Adjustment table. तो आप देख सकते हो adjustment table में पहला चीज़ आता है interest on drawings 12% per annum और जो कि debit लिखा है। पहले हम बात इसी पे करेंगे debit कैसे हुआ। अभी मैंने बताया था, वही rule फिर repeat कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ while doing the correction work, अगर हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट, ये रूल है हमारा। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या मिस्टेक हुआ है, भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है, तो ले लेंगे। तो जब पार्टनर से कुछ लेंगे तो क्या करना है, डेबिट, इसलिए डेबिट हो गया। क्लियर? नाउ अब ये इंटरेस्ट 3900 और 3600 कैसे आया, तो ये हम देखते हैं वर्किंग नोट में अपने। ओके, तो आओ पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं अपना कि वर्किंग नोट कैसे बनाया गया है इसके लिए, तो देखते हैं आओ। सो हियर इट इज द वर्किंग नोट। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने जो रूल सीखे वही रूल का एप्लीकेशन है। ब्रह्मा का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो आप जैसा जानते हो कि ब्रह्मा का इंटरेस्ट एक डेट दिया था नवंबर फर्स्ट को 60,000 विड्रॉल किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और नवंबर से लेकर के मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो कि बन जाएगा 5 मंथ्स एंड एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3000। ये हो गया ब्रह्मा का इंटरेस्ट। ऐसे ही विष्णु का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो विष्णु में डेटा क्या था 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसलिए इनटू 12 हो जाएगा, देन रेट था 12% और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कॉन्सेप्ट था 6.5/12। इन दिस वे इसका आंसर हो जाएगा 3900। ऐसे ही महेश की बात करते हैं, तो महेश का ड्राइंग्स था 20,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसलिए इनटू 4 हुआ है क्योंकि क्वार्टरली है और 12% रेट हो गया और एंड ऑफ क्वार्टर का रूल था 4.5/12 एंड अप्लाई करने पर इसका अमाउंट आया 3600। ओके, सो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने कभी सीखा था उसको अप्लाई कर दिया है एंड वही इंटरेस्ट आप देख सकते हो ये तीन आ चुके हैं। क्लियर? इन तीनों का टोटल कितना हो गया 10,500। तो पार्टनर से हमने इतने रुपए क्या किए, ले लिए हैं। नाउ अब सोचो पार्टनर से अगर बिजनेस पैसा लेगा तो बिजनेस के लिए यानी फर्म के लिए वो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है भाई, बिजनेस तो ले रहा है, तो बिजनेस के लिए 10,500 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो देखो आप ध्यान से, शेयर ऑफ प्रॉफिट है और जो रेशियो था उसी रेशियो में। क्लियर? अब 10,500 को 2:1 में बांट देंगे तो आएगा 4200 एंड 2100। नाउ अब ये क्रेडिट कैसे हुआ,
तो वही सेम रूल, प्रॉफिट को बांटने से कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब हम बात करते हैं फाइनली इफेक्ट के तरफ, तो देखो कैसे आएगा। ब्रह्मा में एक अमाउंट है 3000, दूसरा अमाउंट है 4200, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1200, क्योंकि एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है, क्लियर, डिफरेंस इसी ले लेना है। नाउ बड़ी वैल्यू कौन सी इनमें से, तो ये है बड़ी वैल्यू 4200, मतलब क्या है ये क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट, ओके। एंड फिर सेम रूल को अप्लाई करते हैं, विष्णु में 3900 एंड 4200, डिफरेंस दोनों का 300, बड़ी वैल्यू कौन सी 4200, और अगेन इसका सिंबल क्या है क्रेडिट ही है, तो इसलिए इसमें भी क्रेडिट। और महेश में ऐसे लेते हैं 3600 और 2100, यानी डिफरेंस 1500, बड़ी वैल्यू क्या है 3600, और जिसका मतलब क्या है डेबिट, इसलिए यहाँ पर डेबिट लिखा है, क्लियर। इस तरह से डेबिट क्रेडिट निकल आया है और अमाउंट आ गया है। सो फाइनली इसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, अपने एंट्री में, यानी एडजस्टमेंट एंट्री में। सो लेट्स हैव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप देख सकते हो एंट्री में हमने क्या लिखा है, करंट अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, कैपिटल, क्योंकि वहाँ फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा था, ओके। सो एंट्री है महेश करंट अकाउंट डेबिट टू ब्रह्माज करंट अकाउंट टू विष्णुज करंट अकाउंट, और जो टेबल में नेट इफेक्ट की वैल्यू थी 1500, 1200 एंड 300, अकॉर्डिंगली उसको पुट कर दिया और ये नरेशन हो गया, क्लियर। नाउ चलो आप देखते हैं, ये तो वर्किंग नोट हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने आज का। देखो उसमें किस टाइप का एरर मैंने लिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:1:1, देयर कैपिटल बैलेंसेज आर ₹1,00,000, 2,00,000 एंड 3,00,000 रिस्पेक्टिवली। इस समय कोई फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला गया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, सैलरी टू ए ₹4,000 पर मंथ, देन कमीशन टू सी ₹32,000 एनुअली। After the preparation of final account, it was discovered that all the above items were ignored. ये सारे items, मतलब कि 1, 2, 3, यानी जो याद होगा हमने categories पढ़ी थी उसमें था omission of multiple items, यही वाला वो case है। तो सभी items वो भूल चुके हैं and pass necessary adjustment entry. So again, let's start with adjustment table. देखो ध्यान से फिर एक बार। तो सबसे पहले तो मिस्टेक किस में थी उसको हमने लिख दिया, एक मिस्टेक इंटरेस्ट में कैपिटल में थी, एक सैलरी में और एक कमीशन में, ये तीन मिस्टेक थी ना। अब देखो तीनों में आपकी क्रेडिट लिखा है, ठीक है, बट इसको ये नहीं रट लेना है कि क्रेडिट ही होगा। मैंने समझाया था ना कि क्रेडिट कैसे होगा, डेबिट कैसे होगा। तो जो चीज़ पार्टनर्स को देंगे कैपिटल बढ़ाएगा, इसलिए क्रेडिट, जो पार्टनर से लेंगे कैपिटल घटाएगा, यानी डेबिट। और यहाँ पर तीनों चीज़ पार्टनर्स को देना ही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी भी देना था, कमीशन भी देना था, और सब भूल गए, तो इसलिए कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। सो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सब में कॉमनली क्रेडिट है इस क्वेश्चन में। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन रेट 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10,000, 20,000, 30,000, दैट विल बिकम 60,000। सैलरी किसका दिया था, तो वो था ए का, वो आ गया 48,000, ठीक है, पर मंथ दिया था, उसको इंटू कर लिया, 48,000 आ गया। ऐसे ही कमीशन था किसका, सी का 32,000, वो लिख दिया। सो कुल मिलाकर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को करेक्ट करते समय क्या क्या चीज़ें दिया और कितना दिया, 60,000 का इंटरेस्ट दिया, 48,000 का सैलरी दिया और 32,000 का क्या दिया, कमीशन। टोटल कितना दिया, 60 + 48 + 32, ये हो जाएगा आपका 1,40,000, यानी बिजनेस ने पार्टनर्स को करेक्शंस के फॉर्म में 1,40,000 दिया है। तो जितना रुपए बिजनेस देगी वो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, और जितना ले लिया जाता है वो प्रॉफिट बन जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर आप देख सकते हो एक बार शेयर ऑफ लॉस लिखा है, क्लियर। और उसको बांटने का रेशियो जो दिया था वो 2:1:1 उसी में बांट देंगे, तो 1,40,000 को बांटेंगे अगर हम 2:1:1 में तो आएगा 70,000, 35,000, 35,000, क्लियर। नाउ अगेन इसमें देखो ध्यान से, डेबिट कैसे हो गया, तो क्या बांट रहे हैं हम लोग, लॉस। लॉस बांटने से कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, कैपिटल घटेगा तो डेबिट, क्लियर। आप देख पा रहे हो लगातार तीसरा क्वेश्चन चल रहा है और हम बार बार वही अमेरिकन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है। नाउ आते हैं अपने अगले पार्ट, नेट इफेक्ट की तरफ। अब देखो ध्यान से, ए में तीन वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर पैनिक आपको नहीं होना है, मैथ का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये 10,000 रुपये क्या है, क्रेडिट, ये क्या है, क्रेडिट, दो क्रेडिट है और एक डेबिट है। अब आप बताओ, मैथ्स में आपने सीखा होगा लाइक -2, -1, +9, आपने ऐसे सम्स किए होंगे सॉल्व। तो ऐसे किस में क्या करते हो, पहले माइनस माइनस जोड़ लेते हैं फिर प्लस में से एडजस्ट कर लेते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 58,000। टोटल क्रेडिट हो गया कितना 58,000 और डेबिट में कितना 70,000। नाउ 58,000 और 70 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12,000, है ना। तो आप देख सकते हो 12,000 यहाँ लिखा हुआ है और बड़ी वैल्यू किसकी है,
तो क्रेडिट में आया था कितना 58 और डेबिट में 70। ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू 70,000 है मतलब डेबिट, इसलिए यहाँ पर क्या है डेबिट। क्लियर। सेम रूल अप्लाई करते हैं बी में, तो बी में एक वैल्यू क्रेडिट एक वैल्यू डेबिट, बस बी में दो ही वैल्यू है तो डिफरेंस डायरेक्ट निकाल देंगे। 20 और 35 का डिफरेंस 15 आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है 35 यानी कि डेबिट। ओके एंड ऐसे ही सी में निकालते हैं, तो सी में भी एक क्रेडिट दो क्रेडिट और एक डेबिट, तो दोनों क्रेडिट जोड़कर कितना हो गया 62,000, ये दोनों क्रेडिट मिलाकर हो गया, और डेबिट में कितना 35,000, तो डिफरेंस आएगा 27,000 और बड़ी वैल्यू कितनी है 62,000 जो कि क्या है क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आप लोग इसको भी समझ गए अच्छे तरीके से क्या है। एंड अब इन्हीं डेटा को अप्लाई करेंगे, मतलब इस वैल्यू को और डेबिट क्रेडिट को, तो डेबिट कौन कौन हो रहे हैं ए और बी, तो अकॉर्डिंगली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, तो आइए देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री को। तो ए डेबिट हुआ था और बी डेबिट हुआ था 12,000 और 15,000, और सी क्रेडिट हुआ था 27,000। और आप ये मत भूलना कभी भी कि एंट्री आप बना रहे हो तो एंट्री का डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आता है, सो आना चाहिए। क्लियर। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसमें है कि एक्स वाई पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में, देयर कैपिटल बैलेंसेज वर फिक्स्ड, एक बार फिर से फिक्स्ड कैपिटल दिया यानी करंट अकाउंट का यूज होगा जब एंट्री बनाएंगे, और वो है 4,00,000, 2,00,000। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम, कमीशन टू वाई ₹25,000 एंड एनुअल ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ये ड्रॉइंग्स की वैल्यू है उनकी, अभी तक मिस्टेक नहीं मिला क्या था। अब देखो ध्यान से इस लाइन को, आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31st March 2020 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर हुआ, ऑल द अबव टर्म्स ऑफ द डीड वर ओमिटेड, सारे टर्म्स एक दो तीन इन तीनों को भूल गए वो वाइल एडजस्टिंग द प्रॉफिट। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 3 किया ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस एक फर्क है जो आप सॉल्यूशन के साथ समझ जाओगे। सो द रिक्वायरमेंट इज द सेम, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन पार्ट। सो अगेन एडजस्टमेंट टेबल से स्टार्ट करना है हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मिस्टेक था, कमीशन में था, इन तीन में था। नाउ आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में वो तीन ही थे बट तीनों में क्रेडिट था, बट यहाँ देख सकते हो आप एक डेबिट भी है। अब क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि इसी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्रेडिट, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो वसूल होता है ना, वे भी भूल गए थे, तो वसूल करना है मतलब कैपिटल घटाएंगे तो डेबिट, और कमीशन देना पड़ेगा सो क्रेडिट। तो इस तरह से आप देख सकते हो दो क्रेडिट हैं तो एक डेबिट है। नाउ रेस्पेक्टिवली कैपिटल्स पर 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 20,000 एंड 10,000, टोटल 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकाला गया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम का था और उसी अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट निकाला है इसका, जो कि क्वेश्चन में रेट दिया गया था, जो आ रहा है कितना, तो 3,000 एंड 4,000 जो कि बन गया कितना 7,000 रुपीज़। ठीक है, और कमीशन तो डायरेक्टली एज इट इज़ गिवन था 25,000, वो लिख दिया हमने। तो नाउ अब टोटल पार्टनरशिप फर्म में हुआ क्या, 30,000 का इंटरेस्ट दिया, 25,000 कमीशन दिया और 7,000 उनसे वापस भी लिया, तो टोटल इफेक्ट क्या बना 48,000 कुल मिलाकर बिजनेस ने उनको दिया है ना। अगर आपने किसी को ₹10 दिया ₹20 दिया मतलब टोटल कितना दिया ₹30, लेकिन उससे ₹5 वापस भी ले लिया तो टोटल कितना दिया 25 दिया ना, बिल्कुल वैसे ही 30,000 आपने दिया 25,000 दिया दो चीज़ों के लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 7,000 वापस भी ले लिया, तो इस तरह से 48,000 बना है। अब उसको बांट देंगे उनके रेशियो में जो कि था 3:2 और जिससे आएगा 28,800 और 19,200। ठीक है, और अब उसी को इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे लगातार कर रहे थे आप देखो, क्रेडिट डेबिट डेबिट, दो डेबिट हैं इस बार और एक क्रेडिट है, दोनों डेबिट को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 31,800। ठीक है, और क्रेडिट में था कितना 20,000। अब जानते हो आपकी एक क्रेडिट है एक डेबिट है, डिफरेंस निकालेंगे तो 11,800 आएगा और बड़ी वैल्यू क्या है 31 वाली है ना, 31 मतलब इन दोनों की वैल्यू जो की थी डेबिट, तो देख सकते हो आप 11,800 डेबिट। ऐसे ही वाई में करोगे आप, तो वाई में एक वैल्यू क्रेडिट, ये डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर डेबिट, दो डेबिट है दो क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10,000 और 25,000 मतलब 35,000, ये दोनों क्रेडिट मिलाने पर हो गया, और दो डेबिट है, एक है 4,000 और एक है 19,200 मतलब 23,200, इसका भी डिफरेंस निकालने पर वही आएगा 11,800 और बड़ी वैल्यू इस बार 35,000 है जो मतलब किससे है क्रेडिट वाले से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख गया है। क्लियर, तो इस तरीके से नेट इफेक्ट निकालते हैं और डेबिट क्रेडिट तय करते हैं। नाउ इसी को यूज़ करके करंट अकाउंट को यूज़ करके एंट्री बना देंगे हम, तो वो रहा आपके सामने।
एक्स इज करेंट अकाउंट डेबिट टू, वाई इज करेंट अकाउंट 11,800। ठीक है, तो होप सो कि आज का ये चार क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा और जिससे कि केस स्टडी ये पास्ट एडजस्टमेंट के ये सारे केसेस भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने वीडियो में हम सीखेंगे इन्हीं के आगे के कुछ और केसेस जिससे कि और ये टॉपिक हमें ईजी हो सके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।